गुरुद्वारा दमदमा साहब की जिथे ठट्ठा पुराणा विखे दो धिरां विचकार विवाद होया। जसपाल सिंह नूं दमदमा साहब का अगला सेवादार ऐलाने जाण का विरोध किया गया। मौके पर पहुंची संगत वालों सेवादार ऐलाने जाण का विरोध किया गया। धक्का मुक्की दौरान श्री अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार की दस्तार उतर गई। संगत का इल्जाम है बिना सहमति फैसला लिया गया। सो कपूरथला तो एक तस्वीर जिथे गुरुद्वारा दमदमा साहब ठट्ठा पुराणा विखे दो धिरां विचकार विवाद होया ते विवाद सी सेवादार ऐलाने जाना। जसपाल सिंह होरां नूं दमदमा साहब का अगला सेवादार ऐलाने जाने के खिलाफ विरोध होया। मौके पर पहुंची संगत वालों सेवादार ऐलाने जाने का विरोध किया गया। काफी धक्का मुक्की हुई जिस दौरान श्री अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार की दस्तार उतरी। संगत का इल्जाम है कि बिना सहमति यह फैसला लिया गया। तस्वीरां ने तुहाडी टीवी स्क्रीन ते मौके ते पहुंची संगत वालों सेवादार ऐलाने जाण दा इत्थे खासा विरोध किया गया, जिस तों बाद तस्वीर काफी तनावपूर्ण बन गई। साडे सहयोगी संदीप इस खबर ते साडे नाल जुड़ चुके ने। संदीप, फिलहाल किदां दा माहौल उत्थे बणिया होया? जी हुण जिहड़ा फिलहाल माहौल जिहड़ा आ उह शांतपूर्ण हो गया। प्रशासन ने माहौल काबू च कर लिया, पर यह जिहड़ा सारा माहौल इस करके बनिया क्योंकि दमदमा साहब पुराना ठट्ठा जो कि सुल्तानपुर लोधी दे विच है, उत्थे जिहड़े मुख सेवादार सी बाबा गुरबचन सिंह जी, उह कल परलोक सुधार गए सन। उन्हां दे अंतिम संस्कार तों पहलां एक रीत इत्थे शुरू तों ही है कि जदों भी कोई जिहड़ा गद्दी ते बैठा होया मुख सेवादार है उह परलोक सुधारदा है तां उस तों पहलां उहदे अंतिम संस्कार तों पहलां नवें सेवादार दा ऐलान हो जांदा है। लेकिन उस दे लई एक कमेटी बनाई गई हुई है जिस विच पिंड दे लोक भी शामिल ने, होर धार्मिक आगू भी शामिल ने। लेकिन अज जदों अंतिम संस्कार तों पहलां अकाल तख्त पटना साहब दे जिहड़े साबका जथेदार ने ज्ञानी इकबाल सिंह उत्थे पहुंचदे ने ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਥਾਪੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪ।